सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं बेस प्रमोटेड हैलोजिनेशन ऑफ फिनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो वहां मैंने बताया था कि क्योंकि हमारा बेस जो है वो यूज होता रहता है, तो हम उसको बेस प्रमोटेड रिएक्शन कहना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि आज हम करेंगे एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैंने क्यों कैटलाइज लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एसिड जो है वो यूज अप नहीं होगा, वो बनता जाएगा, रिएक्शन करवाता भी जाएगा और हमें जो है वो मिलता भी जाएगा एच पॉजिटिव। सो हमारे पास जो है वही हम सिमेट्रिकल कीटोन से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो सिमेट्रिकल कीटोन यहाँ पे ले लिया है, तो एसिड कैटलाइज है, तो याद रखना है कभी भी अल्कोहल होता है, हमारे कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, तो एक चीज मैंने बताई हुई है प्रीवियस वीडियोस में भी कि जब कभी एसिड डालते हो तो पहला स्टेप आपने टिप्स पे होना चाहिए कि दैट इज द प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के पास उसको देख नहीं पा रहा कि एच पॉजिटिव है, वहां फटाफट से लोन पेयर इसको देगा और इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन। तो ये देखिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 और ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं। जब आप किसी को, आपके पास सपोज 100 रुपीज है, किसी के साथ बॉन्डिंग बनानी है, तुम लोगों ने 50 रुपीज आप उसको दे रहे हो या 60 रुपीज दे रहे हो, तो तुम्हारे पास तो कम हो गए ना, तो कम हो गए मीन्स यू हैव पॉजिटिव, तुमने पॉजिटिविटी तो गेन कर ली। तो हमारी केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज जो है वो इंडिकेट करता है किसी चीज की कमी को। तो यहाँ पे खुद के तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, जो इसके लोन पेयर थे, वो उसने डोनेट किए एच को, तो दैट्स वाई गेनिंग द पॉजिटिव चार्ज। तो साथ में आपने बना लेना ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये वाला स्टेप फास्ट स्टेप लिख सकते हो इसको, ठीक है। फास्ट स्टेप क्यों लिखोगे, क्योंकि ये कौन सा अभी इंटरमीडिएट बना है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है। अब बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे। अब ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है, अब अपने पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता, तो फटाफट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ये जो कार्बोनिल वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो कार्बन जो है वो अपने नेबरिंग वाले कार्बन से लेगा और वो कार्बन अपने जो है सी एच बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो दैट्स व्हाई अब यहाँ पे हमारे पास जो है बनेगा एनोड। ये देखिए, ये बन गया एनोड एंड दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जो चीज एलिमिनेट होगी उसको साथ में आपने एरो में लिख डालना है। तो दिस इज अ इनोल फॉर्म। अब ये देखिए, बिल्कुल ये फर्स्ट स्टेप अगर है, सेकंड स्टेप वही चीज जैसा हमने बेस प्रमोटेड में थोड़ा थोड़ा सा किया था, कि अब हम अपना नेक्स्ट जो है हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, दैट इज योर Br2। तो Br की बात बताई थी कि जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास आएगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे शिफ्ट करेगा और ये एंड जो है ये पिक कर लेगा और ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। तो हमारे पास इसके बाद Br नेगेटिव, यहां से लीविंग ग्रुप बड़ा अच्छा है, निकल जाएगा और ये आ गया डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन के लोन पेयर नीचे है, फिर से बेचारे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे और इसने खुद जो है CH2 ने तो Br के साथ बॉन्डिंग बना ली है। अब ऑक्सीजन बींग इलेक्ट्रोनेगेटिव, थर्ड स्टेप में दोबारा से लिख लेते हैं इसी स्ट्रक्चर को, क्या करेगा ये ऑक्सीजन के पास जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो किसके, ये देखिए इसके नेबर में यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम इसी की है एच की, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये अगर आप देख रहे हो, यहाँ भी एच पॉजिटिव आ गया, एसिडिक कंडीशन मेंटेन है, यहां से भी एच पॉजिटिव निकल जाएगा, तो इसलिए मतलब हमारा एसिड जो है वो हमें मिलता जाएगा। तो यहां से एच पॉजिटिव जो है बाहर निकला, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2 Br, तो ये आपके पास मोनोहैलोजिनेटेड जो है वो प्रोडक्ट एसिडिक कंडीशन में बन गया। तो बस एक जो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि अगर आपको देखोगे तो, अगर आपने जो है बेस कैटलाइज रिएक्शन की थी तो वहां से पहले निकलेगा यहाँ से H पॉजिटिव, ठीक है। वो न्यूक्लियोफाइल ऐड करते थे तो निकलेगा H पॉजिटिव, कार्बन आयन इनोलेट आयन जनरेट होता था, वहां इनोलेट आयन बनता था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन होगा, तो उसके हिसाब से आपके पास इनोल फॉर्म बनेगी, ठीक है, जो आगे जो है Br2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये हमारा मोनोहैलोजिनेटर जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है सिमेट्रिकल का जो सारा कंसेप्ट है। अब हम आ रहे हैं अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में, कि अनसिमेट्रिकल कीटोन के केस में आपके पास कैसे पता चलेगा कौन से जो है कार्बन पे हमारा हैलोजन आएगा। सो उसके लिए आपको
स्टेबिलिटी देखनी होती है इनोल एटाइन की. ये देखिए अनसिमेट्रिकल कीटोन. अब दो चीजें आपकी बुक्स में भी लिखी होंगी आई थिंक, कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट का कंसेप्ट जो है वो लगा के चले, तो अगर आप देख रहे हो कि अगर यहां से हम अल्फा हाइड्रोजन, लेट मैं यहां पे इसको अल्फा वन दे देती हूँ, यहां पे इसको अल्फा टू कर लेते हैं, ठीक है. ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, क्योंकि कार्बोनिल का क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है. तो दैट्स वाई अगर तो यहां से एच पॉजिटिव जाता है बाहर, ये वाला हाइड्रोजन जो है इट एलिमिनेट एज एच पॉजिटिव इफ यू आर डूइंग द बेस प्रमोटेड रिएक्शन और यू आर डूइंग द एसिड प्रमोटर रिएक्शन. तो यहां पे अगर बेस प्रमोटर कर रहे हो तो कार्बन आयन कुछ ये बनेगा. है ना, यही वाला कार्बन आयन बनेगा. जबकि अगर यहां से एच पॉजिटिव जाता है सो यू विल गेट सम थिंग लाइक दिस. ये देखो ये कार्बन आयन जनरेट होगा. तो अगर हम कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे जाते हैं तो आप देखो इसके साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, जिसका क्या है, प्लस आई इफेक्ट. एक है बंदा जिसके पास पहले ही इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, एक उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे ही जा रहे हो, सो इट विल डीस्टेबलाइज दिस कार्बन आयन. ठीक है, तो यहां पे अगर ये कार्बन आयन नंबर वन है, ये कार्बन आयन नंबर टू कर लेते हैं इसको, ठीक है. तो कार्बन आयन वन की जो है स्टेबिलिटी नहीं है इतनी, बिकॉज द ग्रुप विच इज अटैच टू इट हैज द प्लस आई इफेक्ट विच डीस्टेबलाइजिंग इट, वेयर एज देयर इज नो सच ग्रुप इन दिस केस. कोई ऐसा ग्रुप है ही नहीं. देखो कार्बन आयन ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ अटैच ही नहीं है, तो ये कार्बन आयन थोड़ा ज्यादा स्टेबल है. तो इसके केस में अगर आप देखोगे तो आप कहते हो कि इसी पे हैलोजन आना चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल है, हैलोजन इसी पे अटैच होना चाहिए जब आप इसकी जो है हैलोजिनेशन करते हो, ठीक है. पर हमें क्या देखना है, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये देखो, ये रेजोनेंस में भी तो जाएगा, ठीक है, इसी तरह ये वाला भी तो रेजोनेंस में जाएगा, और आपके पास क्या जनरेट होगा, इनोलेट आयन. तो चलिए यहां से इनोलेट आयन को जनरेट करते हैं. अगर यहां से इनोलेट आयन को जनरेट करेंगे सो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. ये वाला इनोलेट आयन बनेगा अगर यहां से इनोलेट आयन बना रहे हो. ये लो, ठीक है. तो आपने इस कार्बन आयन की नहीं स्टेबिलिटी देखने लग जाना, बिकॉज हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट ये नहीं है. हमारी रिएक्शन जो है वो इस स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती, हमारी रिएक्शन डिपेंड कर रही है हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, हमारे इनोलेट आयन पे. ये गलती बच्चे करते हैं, वो इसकी स्टेबिलिटी देखने लग जाते, ठीक है. तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है इनोलेट आयन. तो अगर आप इनोलेट आयन देखोगे, इफ दिस इज अ स्ट्रक्चर नंबर, मैं इनोलेट आयन वन दे देती हूँ, इसको स्ट्रक्चर नंबर टू कर देते हैं, तो जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड मीन्स उसके साथ कम हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे. तो यहां पे अगर आप देखोगे, देखिए इधर एक हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहां कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, ठीक है, इस वाले जो इनोलेट आयन है. जबकि यहां पे अगर आप देख रहे हो, यहां देखिए दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, यहां पे जो है कोई हाइड्रोजन एटम नहीं अटैच है. तो ज्यादा जो सब्सटीट्यूटेड है दैट इज दिस आयन, फर्स्ट वन, ठीक है. सो ये वाला इनोलेट आयन जो है विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड, इट इज मोर स्टेबल, ठीक है. याद रखिएगा कि जहां पे आपने डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो इनोलेट आयन है वहां पे आपने देख लेना है कि जिसके अराउंड कम हाइड्रोजन एटम होंगे वही ज्यादा इनोलेट आयन स्टेबल होगा, ठीक है. तो दैट्स वाई आपके पास ये वाला जो ग्रुप है इसको बोलते हैं मिथिलीन, ये वाला CH2 मिथिलीन, और ये CH3 है तो ये आपके पास मिथाइल. सो दैट्स वाई आपने याद रखना है कि व्हेनेवर जब कभी कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन होता है तो वहां पे जो हैलोजिनेशन प्रेफर की जाती है वो मिथिलीन कार्बन पे की जाती है, ना कि मिथाइल कार्बन पे. तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, अगर मैं इसकी हैलोजिनेशन कर रही हूं, इफ आई एम डूइंग द हैलोजिनेशन ऑफ दिस, ठीक है, ये मिथिलीन हो गया, ये आपके पास मिथाइल कार्बन. तो यहां पर डालिए Br2OH-, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला होगा,
ठीक है। सो ये जो मिथिलीन वाला कार्बन था CH2, तो उसी पे आपके पास जो है हेलोजन अटैच होगा, ना कि मिथाइल वाले कार्बन पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई ड्यूरिंग द हेलोजिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन द हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस एट द मिथिलीन कार्बन रेदर देन एट द मिथाइल कार्बन। तो आपने बता देना है कि ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द इनोलेट आयन, दैट इनोलेट आयन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिथिलीन कार्बन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द इनोलेट आयन विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हेलोजिनेशन ऑफ इनोलाइजेबल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।